हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सपना और एक औरत है, उसका थोड़ा सा लड़ाई चल रही है यूट्यूब पे। थोड़ी नहीं, मतलब उस औरत ने सपना चौधरी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है, तो उसी चक्कर में अभी बहुत कुछ यूट्यूब पर चल रहा है। तो अभी एक जो चीज़ है जो मुझे ट्रिगर की है वो ये है कि वो बोलती है कि वो बुज़ुर्गों को सपोर्ट करने के लिए उसने ये बात रखी थी कि सब लोग सपना चौधरी का ही पक्ष ना देखें, बुज़ुर्गों का भी देखें। तो उन्होंने बुज़ुर्गों के हक में वो चीज़ बोली। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई कि ये कैसा सपोर्ट है। कि अगर आपको एक पार्टी को सपोर्ट करना है तो इसके चक्कर में ये ऐसा नहीं है कि आप दूसरी पार्टी को कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल दो। हाँ, अगर आपको सच में सपोर्ट करना होता तो आप ग्राउंड लेवल पे जाती। ग्राउंड लेवल यानी कि आप सपना के ससुराल होके आती, वहाँ पे उनकी सास और ससुर की वीडियो रिकॉर्ड करती, उनके साथ बातचीत करती और वो वीडियो आप सोशल मीडिया पे डालती, अपने चैनल पे डालती। तब तो हमें पता भी चलता कि हाँ भाई, आप सपोर्ट करना चाह रही है। या मतलब हम भी सुन लेते सपना की सास से या ससुर के मुंह से ही कि उन्होंने, मतलब सपना ने उनके साथ कितना कितना बुरा किया है। ठीक है, सपना ने ये किया है, वो किया है, व्हाटएवर जो भी किया है, तो तब तो एक बात भी रहती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसके बावजूद आपने हवाओं में तीर डाले, आपने सपना के कैरेक्टर को उछाला। आपने यहाँ तक बोला कि लखन जो अपनी वाइफ के साथ सपना के घर ससुराल होकर आए और वहाँ पे उन्होंने अपनी आंखों से सपना का हाल देखा, उनको सपोर्ट किया, तो आपने इसके ऊपर भी उनके रिलेशनशिप को इतना गलत वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि किस सास ससुर को ये अच्छा लगेगा कि कोई और आदमी उनकी बहू से मिलने आ रहा है। तो सबसे पहली बात है कि वो आदमी अपनी वाइफ के साथ आया है और एक बहन के रिलेशनशिप के बतौर आया है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे अकेला आया है, उठ के आया है, कुछ भी ऐसा है और उन, मतलब जो भी है आपने जो मुद्दा उठाया है। दूसरा है कि अगर तो आपने ये जो आप बोल रहे हैं तो उनके सास ससुर ने सच में ऐसा बोला है, तब तो एक बात भी होती। ये भी आपकी एक मनगढ़ंत बात है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये दूसरे पक्ष का सपोर्ट है। ये तो सिर्फ इतना है कि आप व्यूज़ के लिए और ऐसी औरतों को टारगेट करते हैं जो फेमस होती है और नई नई, मतलब फेमस होती है लेकिन उनके आगे पीछे सहारे के नाम के लिए आपको लगता है कि कोई नहीं है। लेकिन इस बार बाजी थोड़ी उल्टी पड़ गई है। सपना चौधरी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पर है कि अगर किसी, आप सच में बोलती हो कि आप बुज़ुर्गों का सपोर्ट करना चाहती थी तो आप बुज़ुर्गों के सपोर्ट में बुज़ुर्गों की बातें रखती, सपना ने क्या किया है वो रखती, लेकिन आपने तो सपना के करेक्टर को ही उछाल दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपको क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।